सबको गुड मॉर्निंग गाइस, और आप सबको सबसे पहले हैप्पी दुर्गा पूजा। आज सप्तमी है और अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30। हम लोग 6 बजे घाट लेके निकलने वाले हैं और हम रेडी भी हो गए हैं। ये रही छोटी, कहाँ गई, हाय कर दो। ये छोटी और ये मैं, और मेरा ड्रेस जो है ये मैंने ऑनलाइन शॉपिंग किया है। कैसा लग रहा मुझे कमेंट करके बताना, और अगर आपको लिंक चाहिए तो मैं लिंक भी सेंड कर दूंगी। अभी चलो मैं आपको पंडाल दिखाती हूँ। पंडाल को काफ़ी अच्छे तरह से सजाया गया है। लेके निकल चुके हैं और हम तालाब की ओर जा रहे हैं। अभी ये तनुश्री और मामपी काफी खूबसूरत लग रही है। आप भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ऐसा बात नहीं है, हम ही लोग लग रहे हैं बोल के। थैंक यू। वैसे बहुत आगे निकल चुका लाइन, एक्चुअली हम थोड़े से लेट हो गए क्योंकि मुहूर्त जो है वो 6 से 7 बजे के बीच है और हम जाते जाते ये लोग सब निकल चुके थे, तो इसलिए हम जल्दी जा रहे हैं। अब सीधे हम आपसे तालाब में मिलते हैं। और हम तालाब पहुंच चुके हैं, ये सूर्योदय अभी हो रहा है। तो आप मेरे पीछे जितनी भी कन्याएं देख रही हो, ये सब घट लेके यहाँ पर आई थी, सब बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। ये देखो सबने साड़ी पहना है। ये है मामपी, मेरी फेवरेट, और वो है प्रांजल जिसने सारा डेकोरेशन किया है मंदिर का। मैं आपको जाके वहाँ पे दिखाऊंगी। और हमारी जो है गर्ल्स टीम ने जो है वो उन्होंने काफ़ी मेहनत की है मंदिर को सजाने में, वो सब मैं आपको अभी अच्छे से दिखाऊं क्योंकि हमारा जो है इस बार का मुहूर्त काफ़ी जल्दी है, सुबह 4 बजे 5 बजे, तो इसीलिए ना हम लोग उठने में भी थोड़ा सा लेट हो गया और फिर रेडी होने में भी थोड़े से हम लेट हो गए, तो इसीलिए पहुंचते हमने वीडियो नहीं बना पाया। तो अब हम घट लेकर के वापस जाने वाले हैं और इसके बाद फिर सप्तमी पूजा जो है वो प्रारंभ होगी, पर आप मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा। सो मैंने अपना घट ले लिया है और बाकी सब भी अपना अपना घट ले रही है। अब हम पंडाल की ओर प्रस्थान करेंगे। सो हेलो एवरी वन, प्लीज़ टेक माई सॉरी बिकॉज अभी हम वीडियो नहीं बना सकते क्योंकि अभी मेरे सर पे घट है, ये रहा, और हम धीरे धीरे चल रहे हैं क्योंकि रास्ता बहुत ही पथरीला है। सो हम डायरेक्ट आपसे पंडाल में मिलते हैं। सो गाइस, अब जो है घाट हमने रख दिया है और अब थोड़ी देर में पूजा स्टार्ट होने वाली है और फिर जैसा हमारा काम है प्रसाद रेडी करना, मतलब फ्रूट्स वगैरह जो भी है उसको काटने के लिए, तो सब जो है अभी जो लोग साड़ी पहन के आई थी उन लोग अभी थोड़ा सा ड्रेसअप करके आएगी, मतलब सूट वगैरह पहन के, और मम्मी आ चुकी है, चाची आ चुकी है, सब बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं।
मम्मी को देख सकते हो, आंटी भी है और मेरी छोटी तो सबसे ज्यादा क्यूट लग रही है। ये जो सब डेकोरेशन आप देख रहे हैं, ये वाला ये सारे हैंडमेड है और ये प्रांजल ने बनाया है, जो जिसको मैंने तालाब में दिखाया होगा आपको, ये सारे जो भी है हैंडमेड है और ये सारे मतलब प्रांजल एंड उसकी टीम ने मिलकर बनाया है। मैं फ्रेशन अप होकर फिर से आ गई हूँ मंदिर और अब फल काटना हमने शुरू कर दिया है। ये देखिए यहाँ पर सब अभी फल काटने बैठे हैं और भी आएंगे कुछ लोग, धीरे धीरे हमने शुरू ही किया है और पंडित जी भी पूजा में बैठ चुके हैं, थोड़ी ही देर में पूजा भी होने वाली है। माँ के रूप को सामने हमारा फ्रूट्स जो है हम काट के रेडी कर चुके हैं और अभी भी और भी करना बाकी है। थैंक्स टू माय मॉम एंड माय आंटी, क्योंकि ये जो फल इतने सारे जो कट चुके हैं ये इनकी बदौलत। हम बहुत जल्दी बहुत स्लो थे लेकिन इन दोनों ने बहुत हेल्प की हमारी। थैंक यू मम्मी, थैंक यू चाची। वैसे कोई तो आया नहीं आज सुबह तो, लेकिन ये आई, मेरी गलती थी कि मैंने इसे बुलाया नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, पर अभी ठीक है और अभी हम लोग पूजा एंजॉय कर रहे हैं। पूजा अभी भी हो रही है, अभी थोड़ी देर बाद ही फिर अंजलि होगा और उसके बाद फिर आरती, फिर हम लोग प्रसाद वितरण करेंगे और फिर घर जाके हम लोगों को सोना है क्योंकि सुबह हम बहुत जल्दी उठ चुके थे आज करीबन 4 बजे और कल भी हम लोगों को 4 बजे ही आना है क्योंकि अष्टमी जो पूजा है वो 7 बजे 7:30 बजे तक ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फिर नवमी पूजा है। इस बार का जो शेड्यूल है वो बहुत ज़्यादा रश है, एकदम जल्दी बस पूजा यूं ही बस ख़त्म हो जा रहा है। गाइस अभी सप्तमी पूजा जो है वो समाप्त हो चुकी है और अब इसके बाद आरती होगी सप्तमी पूजा की और फिर उसके बाद हम पुष्पांजलि देंगे। वेट कर रहे थे, बहुत लेट नहीं हुआ है वैसे आज, अभी बस 11 बज रहा है, नहीं तो बाकी दूसरे दिन में तो 1 बज जाता है हमारा। प्रसाद वितरण होगा और उसके बाद फिर हम सीधे शाम में मिलेंगे जब हम लोग का धुनुची नाच होगा। तो चलिए फिर हम पुष्पांजलि करते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं, ओके बाय। सो हमारा पुष्पांजलि अब ख़त्म हो चुका है और आज समाप्ति हो चुकी है सप्तमी पूजा की और आज जो सप्तमी था वो भी अब ख़त्म हो चुका है, अब अष्टमी लग चुका है और अष्टमी जो है वो कल सुबह होगी। कल सुबह हम लोगों को बहुत सुबह आना है, शायद भोर 4 बजे या 5 बजे। मम्मी साड़ी पहनने के बाद ऐसी लगती है। तो अब फिर मैं आपसे शाम में मिलती हूँ सीधे, अगर हम कहीं घूमने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ तो फिर मैं आपको वहाँ के सारे पंडाल्स वगैरह दिखाऊंगी और अदरवाइज़ फिर यहाँ पे जो डांस होता है या फिर जो संध्या आरती होती है वो तो फिर हम इन्जॉय करेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग गाइस। तो मैं रेडी हो चुकी हूँ अब और इसके बाद आप देख सकते हो कितना सुंदर सजाया गया है हमारा पूरा जो है व्यू, इतना मस्त और ये पूरा बाजार तक है। हाँ, और इस तरफ से ये पूरा उतने दूर तक, अब तो लाइट भी आ गई, अब तो और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है। अब हम जाएंगे थोड़ा सा घूमने क्योंकि
प्लान हो चुका है मेरी दोस्त के साथ, तो अब हम चलने वाले हैं। वैसे ये जो है ड्रेस, ये भी मैंने ऑनलाइन लिया हुआ है, और मुझे बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। इफ़ यू वॉन्ट द लिंक देन आई विल गिव यू, ओके। सो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब हम कॉलोनी जाएंगे, और उसके बाद फिर हम नया बाजार जाएंगे, तो तब फिर हम आपसे मिलते हैं। तब तक मैं आपको ये व्यू दिखा देती हूँ किस तरह से सजा हुआ है हमारा जो है राजघर सुहा। जो है वो खत्म हो चुकी है, और अब पापा डांस करने वाले हैं, और ही इज वेरी एक्साइटेड। तो चलिए फिर मैं आपको उनका डांस दिखाती years later. पापा का तो डांस हो गया, और अब हम निकलते हैं घूमने के लिए, क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है, क्योंकि हमें जल्दी वापस रिटर्न भी आना है ताकि हम यहाँ फिर से इंजॉय कर सकें। तो मैं फिर जाके डायरेक्ट आपको वहाँ पे कॉलोनी में मिलती हूँ, ओके। तो अब हम कॉलोनी पहुँच चुके हैं, रेलवे कॉलोनी। अब यहाँ पर जा करके देखते हैं किस तरह से पंडाल जो है सजाया गया है। चुके हैं, और कॉलोनी का कैसा लगा आप मुझे बताना कमेंट करके। और नया बाजार में बड़े अच्छी सजावट की गई है, देख सकते हो।